मुझे आज तक ये कभी समझ नहीं आया और ना मेरे को कभी समझ आएगा कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आए या कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर आए तो आप लोग उनको सैल्यूट मारते हैं। एक्चुअली होना तो दूसरी चीज चाहिए कि हमारे को आपको सैल्यूट मारना चाहिए, आप भी हमारे को सैल्यूट मारते हैं। तो आप करते हैं कोई पॉलिटिशियन या कोई स्पोर्ट्समैन या कोई बॉलीवुड एक्टर थोड़ा करता है। सबसे बड़े सैक्रीफाइस तो आपने करे अपने परिवार को छोड़ के, आप भी चाहते हैं दिवाली अपने परिवार के साथ बनाए, राखी अपने परिवार के साथ बनाए, अपने बहनों के साथ बनाए होगी, लेकिन आप नहीं बनाते ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा सैक्रीफाइस है कि कोई और आदमी बना रहे, कोई और व्यक्ति बना रहे आपके भरोसे। तो इसलिए याद रखना, आप सबसे बड़े देश के हीरो, यूनिफॉर्म सबसे बड़ी शक्ति है देश की, और इस यूनिफॉर्म के लिए लोगों ने अपनी जान दी। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन आए हैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको गिरना सिखाती है, गिर के उठना सिखाती है, और जीतना सिखाती है और हारना सिखाती है। जीतते आप तब हैं जब आप ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करते हैं, स्पोर्ट्स आपको सच्चाई सिखाती है। जीतने के लिए जरूर खेलिए और हर व्यक्ति को जीतने के लिए खेलना चाहिए, लेकिन वो जो वजन जो प्रेम जो मुझे रूल है उसके साथ खेलिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी। और जितने यहाँ पर लोग आए आपको अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड होना चाहिए जो वो इस देश के लिए करते हैं, उनसे सीखिए कि क्या डिसिप्लिन होता है, क्या सैक्रीफाइस होता है। अगर आप उसका 10% भी सैक्रीफाइस या फिर डिसिप्लिन रहेंगे तो आप सिर्फ अपने ही नहीं, अपने परिवार का ही, अपने स्टेट का ही, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और उससे बड़ा मेडल कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपने इतना प्यार दिया, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।